आपने विवाह बहुत देखा होगा, लेकिन आज हम एक ऐसे विवाह की चर्चा करने जा रहे हैं, जहां दूल्हा और दुल्हन दोनों लड़की हैं। यह शादी देश भर में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। नागपुर और कोलकाता की दो उच्च शिक्षित लड़कियों ने एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुन लिया है और दोनों ने सगाई भी कर ली है। यह जोड़ा अगले कुछ महीनों में शादी के बंधन में भी बंधने वाला है। हाँ, तो इनके साथ पहली मुलाकात हुई एक कॉन्फ्रेंस में जो कोलकाता में हुई थी। इनकी मेंटल हेल्थ एक कॉन्फ्रेंस थी, जहाँ पे ये स्पीकर बन के गई थी और मैं ऑडियंस में थी। तो इन्होंने बहुत कुछ बोला, दैट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव। मैंने अप्रिशिएट भी किया और मैंने उनको बोला कि मुझे आपसे और भी बातें करनी है मेंटल इश्यूज़ के बारे में, क्योंकि मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने बोला कि आप तो नागपुर चले जाने वाले हो, तो मुझे कैसे मैं कैसे कांटेक्ट करूँगी। तो इन्होंने इंस्टाग्राम हैंडल मुझे दे दिया। फिर वहाँ से बातें स्टार्ट हुई और एक हफ्ते बाद व्हाट्सएप नंबर मैंने मांग ली। वो भी एक्चुअली झूठ झूठ बोल के कि मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, कि आप व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, हम बात करेंगे। कॉल, फिर बातें करना स्टार्ट हुई, फिर कॉल्स, फिर वहाँ से अगर प्रपोजल की बात हो तो मुझे एकदम से लव एट फर्स्ट साइट नहीं हुई, लाइकिंग थी। तो मैंने सोचा कि इनके साथ और बहुत सारे दोस्त, मतलब मेरे दोस्त और इनके दोस्त एक ट्रिप में जाने वाले हैं बीच में, फिर मैं वहाँ पे जाके उनको ऐसे प्रपोज करूँगी कि अगर मैं सबके सामने आपको ये बताओ कि विल यू मैरी मी करके, तो क्या आप मुझे रिजेक्ट कर दोगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, क्यों करूँगी। तो आई गॉट माई आंसर। तो एकदम से क्या हुआ था, इनकी जो फ़ोन है ना बंद हो चुकी थी 6-7 दिनों के लिए, और आई वॉज वरीड कि क्या हो गया। तो वैसे ही मुझे पता चला दैट 6-7 दिन में अगर व्हेन आई फील इनकम्प्लीट, एक बात होती है ना कि आप जब किसी से रोज़ बात करते हो तो अच्छा लगता है, तो वही इनकम्प्लीटनेस फील होती थी मुझे। तो मुझे तब पता चला दैट आई रियली लव हर। फिर वहाँ से एक्चुअली प्रपोजल जो बीच वाली जगह पे, मतलब गोवा या मुंबई होने वाली थी, वहाँ से इतना ग्रैंड हो गया कि ये कमिटमेंट सेरेमनी बन गई। अभी शादी जो होगी, जिसे आप कोई दूसरा शब्द यूज करेंगे, तो वो कब और कहाँ होगी? हाँ, पहले तो वो शादी वर्ड यूज नहीं करनी है। सो सिविल यूनियन वो होने वाली है 2022 एंड या 2023 बिगिनिंग। तो वो कहाँ होगी? हाँ, हम दोनों को बीचेस बहुत पसंद है, तो बीच में ही होगी। तो ललित फाउंडेशन जो है, केशव सूरी फाउंडेशन का, उनके साथ ही करना है। आप क्या करती हैं और आपके घर वालों कैसे? अच्छा, पहली मैं तो कोलकाता से हूँ और मेरे बाबा और दीदी को 2013 से पता है, जब मैं 11 स्टैंडर्ड में थी। मैंने बोला बाबा को कि आई थिंक आई लाइक गर्ल्स, मुझे लड़के पसंद नहीं आते। तो बाबा इनिशियली जो होता है इंडियन पेरेंट्स में कि हाँ ये फेज़ है शायद, तो ये तू टीनेजर है, ये फेज़ है, ये चले जाएगा, तू बस पढ़ाई कर। और फिर मैंने धीरे धीरे जब मैं बड़ी होती गई तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये तो गलत बात है, मुझे अभी बताना है। एकदम फटाक से मैंने बोल दिया कि नहीं, मुझे लड़कियाँ ही पसंद है। तो बाबा ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब एक्सेप्टेंस, तू बस खुश रहे और तुझे अगर कोई पार्टनर मिल जाए तो उसके साथ रह जाना। अब जैसे भले ही समाज में और आप दोनों के लिए इसे शादी कहा जाएगा, लेकिन वैसे सिविल यूनियन, सिविल वो कहेंगे हम उसे, तो कितना डिफिकल्ट होगा कि साथ में रहना, क्योंकि कैसे मानते हैं सब? साथ में रहना डिफिकल्ट नहीं होगी, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो लोग, दैट इज़ द पीपल अराउंड अस, दे लव अस और पूरी एक्सेप्टेंस है, और कोई हार्म भी नहीं करेगा, कोई हर्ट भी नहीं करेगा। तो वैसा देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुरभि मित्रा और पारोमिता मुखर्जी के लव स्टोरी की देश भर में चर्चा हो रही है। सुरभि मित्रा पेशे से डॉक्टर और मनोचिकित्सक हैं और नागपुर में ही रहती हैं, जबकि पारोमिता मुखर्जी अकाउंट अधिकारी के तौर पर काम करती हैं। वह कोलकाता की रहने वाली हैं। इस शादी से परिजन भी काफी खुश हैं। इन दोनों के इस निर्णय को
इनके परिवार ने भी मान्यता दे दी है।